छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में 5 जनवरी से 9 जनवरी तक संचालित होने वाली 65वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर ओमकार यदु व तहसीलदार अविनाश ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ओमकार यदु ने कहा कि खेल से सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता बल्कि भारत की विभिन्न संस्कृति का भी मिलन होता है, जिसका प्रमाण इस तरह के आयोजनों से मिलता है। कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल डोंगरगढ़ के छात्र छात्राओं के द्वारा छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर सामूहिक नृत्य करते हुए अपनी संस्कृति को दर्शाया गया। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय व सेंट पीटर इंग्लिश मीडियम स्कूल डोंगरगढ़ के छात्र छात्राओं के द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में भारत के 16 राज्यों से 370 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अब सभी राज्यों की एक टीम बनकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में सॉफ्ट बॉल और थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ विजेता रहा। सीबीएसई द्वितीय और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। इसी तरह से थाई बॉक्सिंग में दिल्ली प्रथम, छत्तीसगढ़ द्वितीय व महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत उपाध्याय, नायब तहसीलदार रश्मि दुबे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रशांत चितवतर से सहित अन्य मौजूद रहे। डोंगरगढ़ से समाचार एक्सप्रेस के लिए प्रणव अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। वार्षिक और सात बार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। राष्ट्र से विभिन्न राज्य की टीम यहाँ पर आई थी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। बाहर से जो बच्चे आए थे हमारे छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसका भी आनंद उठाया और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रही है बच्चों के घर। JBD बैंकवेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।